एनडीएमसी के आरएमआर कर्मचारियों ने किया आर पार का युद्ध, नहीं झुकेंगे किसी भी कीमत पर, क्यों न सुनी सरकार, क्यों न दे पाती उनकी हक, हम सुनाएंगे। अशोक, मेरा नाम अशोक कुमार है और हम 1 फरवरी से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने हमारे से आगे कुछ नहीं पूछा है कि भाई तुम लोग क्यों बैठे हो, क्यों नहीं बैठे हो। हाँ जी, हाँ जी, हमने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया और उसके फैमिली मेंबर को किसी को एक को नौकरी दी जाए, लेकिन अभी तक उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। ये तमाम नेता जी भी लोग आ रहे हैं अपनी राजनीति देख रहे हैं, कोई आपकी मदद नहीं मिली? देखो सर, हमारा ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये हमारा आराम एकता मंच है। इसमें जो भी पार्टी वाले आते हैं वो अपनी बात कह के चले जाते हैं, ये उनका धन्यवाद, जो सपोर्ट करेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सर ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। क्या लगता है कि आपकी जो सुनवाई नहीं हो पाती तो अगला क्या फैसला लेंगे आप? ज़्यादा बेनती करेंगे? पहले हम भोजन अवकाश में बैठते थे 1 से 2 घंटे के बीच में, लेकिन प्रशासन सोने सोचा है 2 घंटे आके बोल बाल के चले जाते हैं, इससे कुछ हल तो निकला नहीं। फिर अब हमने 9 से 5 का धरना शुरू करा है जो कि अनिश्चितकालीन है और ये कम से कम 1 हफ्ता चलेगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो उसके आगे फिर हम जो आगे तक जाना है हमें वो सारा काम करेंगे। हो सकता है क्योंकि 12,000 रुपये में गुजारा करना ठीक काम कहाँ तक हो जाएगा गुजारा 12,000 रुपये में? कब तक रोते रहेंगे हम लोग यहाँ पर ऐसे? हमने चिट्ठी भी लिखी है, मोदी जी को भी लिखी है और अमित शाह जी को भी लिखी है, उनको हस्तक्षेप करने के लिए हमने बोला है। अभी देखते हैं कब तक वो हमारी सुनवाई करते हैं। वो भी